नमस्कार, स्वागत, वेलकम आपका एक बार फिर से करता हूं मैं कीवी ऐप पर। अगर यहां मुझे देख रहे हैं तो, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो यहां भी मुझसे हाई फाइव ले लो मेरे ब्रो। आपका क्विज मास्टर अतिशय आ गया है, बहुत सारा पैसा जेब में पड़ा है। मैंने कहा ना, रात को 10 बजे मुझे इधर ऐसे ऐसे होने लग जाता है। इस वाले हाथ का मतलब जितना मुझे पता है वो ये होता है कि पैसा जाने वाला है। आपको इस हाथ में होता होगा कुछ कुछ, क्योंकि आपके पास पैसा आने वाला है। जी हाँ, अभी से कुछ ही देर में आप हो जाएंगे हजारों पति, यानी कि हजारों रुपए आपके हो जाएंगे नाम, क्योंकि 10 सेकंड में आपको क्रिकेट की नॉलेज तो है ही, तभी आप इस वक्त यहां पर हो, है ना। तो बस 10 सवालों के अगर आप सही सही जवाब देते हो, सबसे जल्दी जवाब देते हो, तो बस ये पैसा जो है आपका हो जाएगा। कीवी ऐप इज द ओनली प्लेस जो पैसा आपसे एक नहीं लेता है, बल्कि आपको हजारों बदले में देता ही है। आपको हर चीज की नॉलेज यहां पर मिलती है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं यार, 10 सेकंड ऐसे हैं जो आपका जीवन बदल सकते हैं। अपने दोस्तों को बताओ, अपने घर वालों को बताओ, और इस ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ज्यादा दूर नहीं जाना है, इस ऐप को डाउनलोड करो और अभी से थोड़ी सी देर में जो क्विज होने वाला है उसका जो है आप हिस्सा बन जाओ। जी हाँ, वर्ल्ड कप रिकॉर्ड्स के ऊपर आज का हमने क्विज बनाया है। इसमें आपसे मैं 10 सवाल पूछूंगा, हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम भी दिया जाएगा। जल्दी से 10 सेकंड बीत जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं होगा, तो फुल फोकस के साथ इस पे आप पार्टिसिपेट करना, और लोगों को, दोस्तों को अभी के अभी ये मैसेज ड्रॉप कर दो कि कांट टॉक कीवी ओनली। लो स्कोर किसका क्या है, कैसा किसका सबसे ज्यादा स्कोर है, बैटिंग रिकॉर्ड्स, बॉलिंग रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड कप का क्योंकि माहौल चल रहा है तो उसी से रिलेटेड हमने ये जो क्विज है आपके लिए तैयार किया है। ठीक है जी, 10 सवालों का सिलसिला बस थोड़ी सी देर में हो जाएगा शुरू। प्लीज मेक श्योर कि आप एक अच्छे नेटवर्क में हो, आप जो है कहीं ऐसे नहीं हो कि वो आ नहीं रहा है, सवाल पहले आ रहा है फिर आपके पास डिले आ रहे, क्योंकि 10 सेकंड जब तक आपके पास सवाल है निकल ना जाए। ऐप को रिफ्रेश कर लेना अगर जस्ट इन केस आपको सवाल ना दिखे तो। यूट्यूब वाली जनता जल्दी से क्रिको कह रहा हूं कीवी पे डाउनलोड आप जो है कर लो। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाईएस्ट स्कोर इन एन ओडीआई वर्ल्ड कप मैच इज 417 रन। क्या ओडीआई वर्ल्ड कप मैच में अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर 417 रन का है, येस और नो? ऑलरेडी चल रहा है 10 सेकंड का टाइम ब्रो। आप ऐसे जानते हैं कि वर्ल्ड कप में चार बार 400 से ज्यादा का स्कोर बना है। एक बार तो इंडिया ने भी 413 रन बनाए थे वर्सेस बरमूडा 2007 वर्ल्ड कप में, मुझे अच्छे से याद है वो मैच। अब ऑस्ट्रेलिया भी जो है 400 प्लस बना चुकी है एक बार, साउथ अफ्रीका जो है बना चुकी है दो बार। सवाल मेरा क्या था, सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल मेरा था कि क्या 417 का स्कोर सबसे बड़ा है, यस और नो? इसी से रिलेटेड देखा, ऐसे ही सवाल आपके पास आएंगे। अपना नेट भी ऑन रखना अगर नहीं पता तो, वहां से भी है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, कपिल देव हैज द हाईएस्ट स्कोर इन एन ओडीआई वर्ल्ड कप गेम फॉर इंडिया, यस और नो? ध्यान से, 10 सेकंड का टाइम चल रहा है। क्या ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए हाईएस्ट स्कोर कपिल देव के नाम पर ही है, यस और नो? आई एम श्योर जब भी आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं आपके दिमाग में वही सबसे बड़ी उनकी पारी याद आ रही है। कौन सी? 1983 वर्ल्ड कप वर्सेस जिम्बाब्वे, 175 नॉट आउट। ओ हो, भाई साहब उस इनिंग्स को देख के तो ना होने वाले लोग भी जो है सपोर्ट करने लगे थे, यस वी कैन वाला जोश जो है हर किसी के मन में भर गया था। इंडिया उस मैच में 15 रन तक 5 विकेटों पे आ चुका था, फिर कपिल पाजी आए और पूरा कहते ओ रन दो मत पा यार, मैं चाहता हूं यार, जिम्बाब्वे के बोलर्स को तोड़ दिया, कूट दिया, कोटापा चढ़ा दिया। ठीक है जी, तीसरा सवाल ऑन योर स्क्रीन, ऑलरेडी इट इज हियर, लोएस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप टोटल फॉर इंडिया इज 125 रन, यस और नो? 10 सेकंड टाइम का जो है वो चल रहा है। क्या इंडिया का लोएस्ट स्कोर ओडीआई वर्ल्ड कप में 125 रन का है, यस और नो? ध्यान लगाओ, फोकस के साथ जवाब बताओ, जल्दबाजी मत करा करो। वर्ल्ड कप में ऐसे 17 मौके रहे हैं जब पहले बैटिंग करने वाली टीम 100 से भी कम का स्कोर जो है वो बना के आउट हो गई हो। इस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, मगर 100 से 150 के बीच वर्ल्ड कप में इंडिया दो बार ऑल आउट हो चुकी है। अब वो कितना स्कोर है यही आपको बताना था। यूट्यूब पर देख रहे हो, यस नो लिख रहे हो, कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब पर जाओ, YouTube पर नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस ऐप को डाउनलोड कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, गेल हैज द मोस्ट सिक्सेस इन ओडीआई वर्ल्ड कप, यस और नो? क्या ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले प्लेयर क्रिस गेल हैं, यस और नो? छक्के और क्रिस गेल ये आपस में सिनोनिम्स भी इसको बोल सकते हैं, है ना। रिकॉर्ड्स के मामले में क्रिस गेल से टक्कर बड़े बड़े बैटर्स नहीं ले पाते, पर क्या आपको लगता है कि क्या 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी, T20 में तो है ही वो बाप आदमी, बट क्या 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी क्रिस गेल ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं, यस और नो? वर्ल्ड कप से रिलेटेड अपनी नॉलेज शार्प कर लो, क्योंकि आजकल का जो कीवी क्विज है वो इसी के ऊपर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, चमंडा वास टुक द फर्स्ट हैट्रिक ऑफ द ओडीआई वर्ल्ड कप, यस और नो? क्या चमंडा वास ने ओडीआई वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली थी, यस और नो? चमंडा वास क्या बोलर थे यार, आई थिंक श्रीलंका के लिए वो ऐसे ही बोलर थे जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए एक टाइम पे मैकग्रा थे, साउथ अफ्रीका के लिए एनल डोनाल्ड थे, और पाकिस्तान के लिए कौन, वसीम अकरम थे। मतलब द ब्यूटी एंड द बीस्ट थे फॉर श्रीलंका, सभी बोलर्स
ये जो है शुरुआत में विकेट्स निकालते थे अपनी स्विंग बोलिंग के साथ, मगर इन बड़े बड़े नामों में से सिर्फ वास ही ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप में हैट्रिक ले चुके हैं, वो भी साल 2003 में। मगर मेरा सवाल कुछ और था कि क्या वो पहली हैट्रिक थी वर्ल्ड कप की, यस और नो में ही आपको जवाब बताना होता है। लिख रहे हो आप यस नो बट गलत जगह पे, डिस्क्रिप्शन में जाओ कीवी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर खेलो और रियल पैसा बनाओ ना मेरी जान। छठा सवाल आ गया है आपके स्क्रीन पर, मुरलीधरन हैज द मोस्ट विकेट्स इन ओडीआई वर्ल्ड कप। ध्यान से सुनना, क्या मुरलीधरन ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर है, यस और नो सुन लो ध्यान से। मुरलीधरन का हाँ रिकॉर्ड सारा दिमाग में चल रहा होगा, पर ये वर्ल्ड कप से रिलेटेड है। श्रीलंका की टीम ने 1996 वर्ल्ड कप में आने का जो ख्याल किया था, उसके बाद जो अपने वो नाम किया था, श्रीलंका का डंका बजाने में मुरलीधरन ने खूब कमाल किया था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। टेस्ट में 800 विकेट इनके नाम, ओडीआई में 534 विकेट्स लेने वाले मुरली ने वर्ल्ड कप में श्रीलंका के लिए कहते ना जी जान से बॉलिंग करी थी और 68 विकेट्स लिए थे। पर क्या वो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं, यस और नो, यही आपको बताना होता है। समय का भैया चलता है। सातवां सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा भैया, पॉन्टिंग हैज कैप्टन ऑस्ट्रेलिया इन 25 प्लस ओडीआई वर्ल्ड कप मैचेस। क्या पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई वर्ल्ड कप में 25 से ज्यादा मैचेस में कैप्टन किया है, कैप्टनसी करी है, यस और नो में आपको जवाब बताना है। 10 सेकंड का टाइम, आई थिंक ऑलरेडी अप हो चुका है। देखो वर्ल्ड कप और कैप्टनसी यानी रिकी पॉन्टिंग, रिकी पॉन्टिंग से बेहतर कैप्टन शायद ही कोई हो व्हेन इट कम्स टू 50 ओवर वर्ल्ड कप 2003 2007। कौन सा ऐसा वर्ल्ड कप नहीं है जो नहीं किया उन्होंने अपने नाम, जब वो प्राइम में थे, जब उनकी पूरी टीम प्राइम में थी, तो मतलब ऐसा लगता था कोई उनके आसपास भी नहीं आ पाएगा, बट आए। कौन वो थाला, वो माही, वो कैप्टन जो टीम इंडिया का ऐसा रिकॉर्ड कर पाया जो आज तक वापस से नहीं हो पा रहा है। वो दिन भी क्या दिन थे, 2011 का ही अब तक राग गा रहे हैं। 2023 क्या वर्ल्ड कप आ रहा है, कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 8 जवाब बताना, रोहित हैज 5+100 इन ओडीआई वर्ल्ड कप। क्या रोहित शर्मा ने ओडीआई वर्ल्ड कप में 5 बार से ज्यादा सेंचुरी लगाई है, यस और नो। लगाई है, लगाई हो ना हो, इस बार लगानी पड़ेगी ब्रो। रोहित शर्मा के कंधों पे वर्ल्ड कप 2023 में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ब्रो, मतलब समझो ना, कैप्टन भी है ऊपर से ओपनिंग बैट्समैन भी है, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी है। एंड आई थिंक इट्स द लास्ट चांस फॉर रोहित शर्मा। ऐसे नहीं कह रहा कि टीम से बाहर हो जाएंगे, बट आई डोंट थिंक कि अगला वर्ल्ड कप वो खेल पाएंगे। जैसे सहवाग नहीं थे एक टाइम पे भाई, वो आते थे मतलब हर बॉल पे पहला चौका मारा है यार 2011 वर्ल्ड कप में। तो ठीक है, 2019 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने भी कमाल किया है, उनके एबिलिटी पे कभी किसी को शक नहीं है, इट्स जस्ट वो रन आने चाहिए। रोहित भाई हमें आपसे उम्मीद, क्या लगता है 2023 वर्ल्ड कप होगा किसके नाम, कमेंट करके बताना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9, इस पर भी अपना ध्यान जो है लगाना, तेंदुलकर हैज प्लेड द मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस इन ओडीआई वर्ल्ड कप। सचिन तेंदुलकर बहुत तो खेले हैं, पर कितने खेले हैं? क्या सबसे ज्यादा ओडीआई वर्ल्ड कप मैचेस खेलने वाले प्लेयर का नाम सचिन तेंदुलकर है, यस और नो? ओडीआई वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग के बीच बस एक मैच का गैप है। जी हाँ, एक मैच का। दोनों में से किसी एक ने 45 मैचेस खेले हैं और किसी एक ने 46। अति ये भाई इतना क्लोज कर देते हो तो जवाब भी बता ही दो ना। हाँ, फिर पैसा भी तो मैं ही रखूंगा, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको जवाब बताना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑलरेडी ऑन योर स्क्रीन, ध्यान लगाओ इस पे। धोनी हैज 50+ डिसमिसल्स इन ओडीआई वर्ल्ड कप। क्या धोनी ने 50 से ज्यादा बार स्टंप आउट किया है इन ओडीआई वर्ल्ड कप, यस और नो? मैं सच बताऊं, आप और मैं लकी हैं। वर्ल्ड कप, वर्ल्ड क्रिकेट बहुत ही ज्यादा लकी रहा था, क्योंकि एक टाइम पे तीनों ये वर्ल्ड क्लास कीपर्स एक साथ खेलते थे। कौन? एडम गिलक्रिस्ट, महेंद्र सिंह धोनी और कौन? कुमार संगकारा। जी हाँ, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिसमिसल्स इन्हीं तीनों महाशयों के नाम पर है, और इन तीनों में से ही सिर्फ दो के नाम जो है वो 50+ से ज्यादा डिसमिसल्स या स्टंप जिसको कहते हैं वो है। क्या उसमें धोनी का नाम शामिल है, यस और नो? ये आपको बताना था। टाइम तो हो गया है अप, पर आपकी गेम जो है मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे वो भी अप होती जा रही है, बहुत बेटर खेल रहे हैं आप। कल से अगर आप आए हैं आज, तो आपकी गेम इंप्रूव हो रही है, इसको और ज्यादा इंप्रूव करो। अगर नहीं हो रही है कैसे करें अतिशय भाई? कोई कीवी जो ऐप है वो यही तो करता है। इस ऐप को आप डाउनलोड करो, अपने फोन में रखो, एंड हाँ कल जो है रात 10 बजे आना जरूर, क्योंकि अगर आज आपसे मौका मिस हो गया, आपको लग रहा है यार जवाब पता था पर दे नहीं पाया, मिस हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू था, जल्दबाजी हो गई, कोई नहीं, कल 10 बजे फिर आओ, ये मौका पाओ और बहुत सारा पैसा यहां से लेकर जाओ। मैं जाऊंगा, अभी विनर का नाम अनाउंस हो जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड हियर। यूट्यूब वाली जनता, मैं चला जाऊंगा तो चला ही जाऊंगा। आपकी भी ऐप पर आए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इस ऐप का लिंक। अभी फिलहाल आई विल चेक
केयर ऑफ माई सेल्फ एंड आप भी अपना ध्यान रखिए. गुड नाइट. दिस इज मी योर क्विज मास्टर अतिशय सिंह. बाय बाय.